हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर 8 है। इसमें आज हम मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से, कूलम्स लॉ को ड्राइव करेंगे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन से। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए है, एक तरीके से एप्लीकेशन कह सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से कि हम एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में कैसे आते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैं जैसे क्वेश्चन लिखूंगी उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर वीडियो प्ले करके देख सकते हैं कि कैसे होगा, कि आप कितना इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन कर्ल पी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। इक्वेशन देख के आपको पता लग रहा है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है, इससे हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है? प्रूफ दैट डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। तो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो प्रूव करना है, मतलब फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन लानी है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से। तो मैं तो करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल टी ओवर डेल टी। हमें मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन लानी है तो मतलब हमें डाइवर्जेंस लेना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ अबव इक्वेशन बोथ साइड, वो लिखेंगे डाइवर्जेंस किसका ले रहे हैं, कर्ल पी इक्वल टू डाइवर्जेंस म्यू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ये म्यू भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और डाइवर्जेंस क्योंकि वेक्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर है, डाइवर्जेंस ऑपरेटर है, तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ पी इक्वल टू म्यू नॉट डाइवर्जेंस जे प्लस म्यू नॉट डाइवर्जेंस डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है, इक्वेशन वन बोल देती हूँ। अब अगर आप इस इक्वेशन वन में लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो है, बट अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस कर्ल लेते हैं, मतलब कर्ल लेके डाइवर्जेंस लेते हैं, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसे इक्वेशन वन में रख दीजिए। सो फ्रॉम वन एंड टू, तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो गई, इधर क्या आएगा, म्यू नॉट डाइवर्जेंस जे प्लस म्यू नॉट डाइवर्जेंस डेल डी ओवर डेल टी। एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए, तो ये हो गया म्यू नॉट डाइवर्जेंस डेल टी ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डाइवर्जेंस जे इक्वेशन थ्री। अब क्या करेंगे, डाइवर्जेंस जे की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कैंसिल कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो,
और डाइवर्जेंस जे इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी। तो इक्वेशन फोर से इक्वेशन थ्री में वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम थ्री एंड फोर, थ्री और फोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस माइनस डेल रो ओवर डेल टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डाइवर्जेंस और डेल ओवर डेल टी दो ऑपरेटर हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल टी डाइवर्जेंस टी इक्वल टू डेल रो ओवर डेल टी, और क्या लिखा जा सकता है, डाइवर्जेंस टी इक्वल टू रो। तो ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी सेम यही है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसके बाद आप पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर वीडियो पूरी देखिएगा। क्वेश्चन है, यूजिंग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन, डाइवर्जेंस टी इक्वल टू रो और डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ड्राइव, फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, ड्राइव कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सोचिएगा कि हमें एफ चाहिए और हमारे पास ई है, एक तरीके से डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ई और एफ में भी रिलेशन चाहिए, तो पहले यहां से ई निकाल लें, ये डाइवर्जेंस ई है, हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और ई की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप एफ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर अ वॉल्यूम, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन वन ओवर वॉल्यूम वी, इंटीग्रेट डाइवर्जेंस ई, वेक्टर लगा लीजिएगा, डाइवर्जेंस ई इक्वल डी वी इक्वल टू वी रो एप्सिलॉन नॉट डी वी, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड अगर आप ध्यान से देखें वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो पहले ये काम कर लेते हैं, क्या करते हैं, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है। इक्वेशन टू, ये वैल्यू आप इक्वेशन वन में रख सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन सरफेस में डॉट ds इक्वल टू, यहाँ पे वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट रो dv। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में रो dv को हम क्यों लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो dv इक्वल टू क्यू, ये वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन e डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमें e डॉट ds की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल या स्पेरिकल सरफेस ले लेंगे,
फॉर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर अराउंड अ चार्ज क्यू इज, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस और स्पेरिकल सरफेस के लिए डीएस क्या हो जाएगा लेंगे तो ये हो जाएगा ई 4πr² स्पेयर के लिए स्पेरिकल सरफेस के लिए सरफेस एरिया 4πr² होता है तो इसकी जगह हम ई 4πr² लिख सकते हैं देयरफॉर ई इक्वल टू 1/4πε0q/r². तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में क्या रिलेशन होता है द फोर्स फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई तो यहां से एफ की वैल्यू हो गई 1/4πε0q0q/r². तो अगर आप देख रहे हैं ये कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन है दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ तो ये वाला वीडियो हम यही एंड करते हैं होप कि आपको समझ में आया अगर आपने सॉल्व भी खुद से किया होगा अब यहाँ से थोड़ी ही हेल्प ली होगी इससे हैव अ गुड डे